सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड रिकी। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी शॉपिंग। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम चांदनी चौक गए थे, आज हमें जाना है करोल बाग। तो वहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सब चलता रहेगा और आगे के वीक्स में आपको भी मज़ा आता रहेगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो अभी क्या है, पहले रानू को जो है टायर चेंज कराने जाना है अपने आइटन के, तो पहले टायर चेंज कराते हैं। वहाँ पे गौरी और सब रेडी हैं, उसके बाद निकलते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। रानू आ गया है, पहले हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? टायर डलवाने। फाइनली चार पाँच एक महीने से इंतजार करते करते इसके टायर आज मुहूर्त निकला है, तो टायर डलवाने हैं। एक्चुअली दो टायर जो है वो काफ़ी घिस चुके हैं, दो टायर डलवाने हैं हमें। तो पहले टायर चेंज करवाते हैं और उसके बाद घर पे सब रेडी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट रेडी हैं। वो शायद हमें उधर ही मिल जाएंगे, अंचल प्लाजा। अच्छा, वो निकल गए? हाँ, निकल जाएंगे, तैयार हो गए। अच्छा अच्छा, तो इतने जो रानू के पापा हैं, चाचा जी, उनकी शॉपिंग अंचल प्लाजा से होनी है, तो इतने हम ये यहाँ पे डलवाएंगे, वो वहाँ पे उनकी शॉपिंग करवाएंगे और हम उनको वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बने रहिएगा, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हमें जाना है करोल बाग। करोल बाग गाड़ी से चलते हैं ना? हाँ, करोल बाग गाड़ी से, वहाँ पे पार्किंग का इतना इशू नहीं रहेगा। हाँ चलो, पाँच एम एम आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी इसमें। हाँ। थोड़ा बढ़िया इंडियन रोड के साथ जितना ग्राउंड क्लियरेंस हो जाए गाड़ी के लिए। अच्छा, तो ये हमारे नए टायर, ब्रिजस्टोन के नए टायर रहते हैं। चलो भाई, हो गए टायर हमारे डन। चल भाई, आई मारुति। अरे रेड लाइट, रेड लाइट को तो, अरे मैं भूल जाता हूँ, रेड लाइट हो। हाँ, हम निकल गए हैं यहाँ से, अब बताओ क्या सीन है। अरे यार, हमने फोन किया, हमसे बात करो। यार ये पूरी बात भी नहीं करी, वो फोन काट दिया। आप ठीक लग रही है चलाने में? हाँ जीजू, और जैसे एक चीज और है कि जैसे हम क्या करते हैं भाई, आगे वाले टायर आगे ही लगवा लिए, ठीक है, पीछे वाले घिस रहे हैं, घिसते रहने देते हैं, फिर जब टायर चेंज करवाते हैं आगे वाले पीछे करवा लिए। कभी भी क्या करो, अगर आपने मान लो नई गाड़ी लिया है किसी के पास, या किसी ने चारों टायर डलवाए हैं, या आगे वाले डलवा के कुछ टाइम बाद 5,000 किलोमीटर बाद फिर दो पीछे वाले नहीं डलवा लिए, तो 8-10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के टायर चेंज करवा लो, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, तो बैलेंस रहता है उससे। बैलेंस रहता है, टायर कम घिसते हैं, टायर की लाइफ बढ़ जाती है। और जैसे मान लो 50,000 किलोमीटर चलने, तो कम से कम 60,000 किलोमीटर चलेंगे फिर आपके। अच्छा। और गाड़ी थोड़ा कोशिश करके छाए में खड़ी रहे तो अच्छा है, टायर कम सूखते हैं। अगर आप धूप में, क्योंकि जब गाड़ी चलती है टायर गर्म होते हैं, तो जैसे रबड़ का जो ऑयल होता है वो सूखता है, फिर हम धूप में खड़ी कर देते हैं और खड़ी खड़ी गाड़ी के टायर जल्दी सूखते हैं। तो रानू ने मुझे ड्रॉप कर दिया है घर पे, क्योंकि अब मुझे यहाँ से डस्टर उठानी है और फिर डस्टर से करोल बाग के लिए निकलते हैं। तो फटाफट मैं अब गाड़ी निकालता हूँ। तो बस अब मैंने उठा ली है कार, अब निकलते फटाफट फटाफट, अब सबको लेते हैं और चलते हैं। हाँ भाई, हो रहे हैं एडजस्ट बैग। अरे मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, बैठो तो सही, मुझे नहीं चाहिए। हैवी ड्राइवर कोई सोचो, कितने कितने हो गए हम इसमें, सिया को मिला के 9 हो गए, 9 भाई, इनोवा फेल कर दी आज तो। चलो अब उतरो, अब गेट खुलते गिर मत जाना सारे के सारे। चलो पहुंच गए हैं अंचल प्लाजा, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे चाचा जी के लिए शॉपिंग के क्या ऑप्शंस हैं। क्या क्या लिया है? ये दो शर्ट लिए। अच्छा, दो शर्ट लिए और ये चार टी शर्ट है। चार टी शर्ट है, इसमें किस किस की है? पापा की है, दो पापा की है, एक भैया की है और एक मेरी है। अच्छा, तो मतलब चाचा जी की हो गया शॉपिंग।
1.5 लाख। चलो ठूसो ठूसो, ये वाला नहीं, बैठो। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि अभी यहाँ पे शॉपिंग करते करते असल में लेट हो गए, तो अब करोल बाग नहीं जा रहे हैं, अब वापस घर जा रहे हैं, खाना खाएंगे और उसके बाद शाम को कुछ इंद्रपुरम में छोटे मोटे काम है वो निपटाते हैं। बैठ गए, कर दो बंद घुटने अपने, घोटे मोड़ ले। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ पूरा वो बुक कर रखा है क्या? साइड में काउंटर पे पूछ के आ जाइए। हाँ बुक है। अनु तूने एंट्री ऐसी दिलवाई कि कैंसिल ही हो गया है। दावत में ही खा लेते, क्या पता लग रहा है, क्योंकि शुद्ध वाले में तो कोई फंक्शन चल रहा था तो आज वहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे आए। यहाँ से वापस क्यों? यहाँ नहीं खाया। एक बार शानू ने एंट्री करी वहाँ पे, फिर कैंसिल हो गया। एक बार तूने एंट्री करवाई यहाँ पर, मैंने एंट्री नहीं करवाई। तूने एंट्री करवाई? मैं तो पहले बोल रहा था आधे मन से जा रहे हैं। चिल पोंपो क्या हो गया? चिल पोंपो जब तुम करते हो चिल पोंपो वहाँ जाके, तो अब कहाँ जा रहे हैं फिर? सागर रत्न। तो घूम फिर के आ गए हैं सागर रत्न में खाना खाने, बाकी दो जगह तो बात नहीं बनी थी, तो बस अब यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर इंद्रपुरम या घर देखते हैं आगे क्या करना है। सिया क्या लोगे आप? मैं एक पनीर लूंगी और एक रोटी। कौन सा पनीर दिखाओ फोटो? ये वाला पनीर? अच्छा पनीर की रोटी नहीं, तो पनीर और रोटी, रोटी अलग पनीर अलग। हाँ, ओ, ओके। चेतीनाथ मसाला डोसा रख दो, किसका था ये? चलो हाँ यहाँ रख दीजिए। उत्पम ले भाई, शाम तेरा आ गया। कौन सा वाला ये? पनीर मटर मसाला इधर आ गया। चलो भाई शुरू करो। ठीक है, तुमने डाइट कम नहीं होगी तुम्हारी कुछ? मेरी थाली बहुत बढ़िया है, बढ़िया अच्छी है। मूवी थिएटर में इतनी भीड़ इतने सालों के बाद देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने लोग आए हैं और आ भी रहे हैं, और बाहर गाड़ियां देखो लाइन से, ये सब मूवी देखने आए हैं गंगूबाई देखने। तो थिएटर में वापस रौनक लौट आई है, मज़ा आ रहा है देख के। अच्छा लग रहा है उन्हें? बहुत बढ़िया है? ये होता है शादी होने के बाद है? बीवी का पर्स टांग के चलना पड़ता है। खाना खा लिया है, लंच कर लिया है हमने, अब सीन है वापस घर जाने का, फिर शाम को निकलते हैं देखते हैं। एक्चुअली फ़ोन देखने जाना है शानू के लिए। खा पी के सारे फैल गए अब हैं। चलो भाई, अच्छा चाची जी नमस्ते हैं। हाँ अच्छा चाची जी नमस्ते हैं। चलो अब जा रहे हैं चाचा जी चाची जी, ठीक है बाय। चलो ओके बाय बाय, आराम से जाइयो। तो अभी आए थे हम शानू का फोन लेने विजय सेल्स पे इंद्रपुरम, तो आज पूरे मूड से आए थे कि भाई लेके ही जाना है, और अब पता चला कि जो अभी ऑफर चल रहा था इतना अच्छा ऑफर चल रहा था कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है iPhone 13। तो उन्होंने कहा कि नंबर लिखवा दो और आएगा स्टॉक में तो हमको फ़ोन करेंगे। तो अब यहाँ से जाके अब हैबिटेट सेंटर में एक और स्टोर वहाँ पर ट्राई करते हैं, नहीं तो भाई घर जाएंगे वेट करेंगे जब आएगा। तो बस आज शानू का जो फ़ोन देखने गए थे वो नहीं मिल पाया, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो देखते हैं आगे मिलता है या नहीं। फ़ोन नंबर उनको लिखवा दिया है। तो बस आज हमने जो चाचा जी थे उनकी शॉपिंग करी। करोल बाग जाना कैंसिल हो गया बिकॉज़ लेट हो चुके थे, तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो करोल बाग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अभी मेरी भी शॉपिंग बची है कि शादी में क्या पहनना है, शानू की भी बची है, रानू की भी बची है, तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है, और बाकी भी प्रोग्राम जो है उसके लिए भी तैयारियाँ अभी बची है। तो बस बहुत सारी मस्ती होने वाली है आगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, और जिनको अच्छा लगा व्लॉग वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।